आज हम आप लोगों को LHB AC कोच में K01 और K02 के कंट्रोलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे इसका कंट्रोलिंग होता है। तो देखिए ये जो DND से लाइन आने के बाद ये फीडर 1 का लाइन ये देखिए यहाँ आया और ये फीडर 2 का लाइन देखिए यहाँ आया। तो इसके बाद यहाँ से ही हम 3 लाइन देखिए लेकर और इसका देखिए यहाँ MMR इसको बोलते हैं, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। और इसको ये देखिए ये दूसरा है वो भी, ये भी मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले ही है ये। तो इसमें देखिए 2 नंबर फीडर का इसमें इन करा देते हैं और इसके बाद आगे क्या हो रहा है हम दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ ST फ्यूज से जो लाइन आया 750, तो यहाँ से निकलने के बाद 1 नंबर फीडर का ये देखिए ये मीटरिंग फ्यूज है। यहाँ पे आपको 6 दिख रहे होंगे मीटरिंग फ्यूज, तो इसमें 3 देखिए ये 3 है जो 1 नंबर फीडर का है और ये 3 है जो 2 नंबर फीडर का है। तो इसका मीटरिंग देखिए कहाँ पे इसका मेजर होता है, तो वह पैनल के आपके ऊपर देख जाएगा मीटरिंग फ्यूज। देखिए मीटरिंग फ्यूज से आने के बाद हमारा ये देखिए 1 नंबर फीडर का है और ये 2 नंबर फीडर का है। तो इसी में हम मीटर में, ये वोल्ट मीटर है, इसी में हम वोल्टेज देखते हैं अपना वहाँ मीटरिंग फ्यूज से आने के बाद कि कितना वोल्टेज है। तो यहाँ 750 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ 750 वोल्ट दिखना चाहिए यहाँ, तब हम ओके समझेंगे। ये देखिए ये इसको HOG ट्रांसफार्मर है ये। तो HOG ट्रांसफार्मर में अभी यहाँ देखिए ये 750 वोल्ट को 415 वोल्ट में बदलता है ये, और ये भी वही करता है। ये देखिए यहाँ 750 वोल्ट इन और ये 415 वोल्ट आउट करता है। और इसका काम है कि 415 वोल्ट में बदलकर K01 और K02 को देखिए दोनों को होल्ड कराना है। इन दोनों ट्रांसफार्मर का काम है ये, K01 और K02 को होल्ड कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये कैसे होता है हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए इनकमिंग के लिए 2 फ्यूज इनकमिंग का होता है, 1 नंबर का, और 2 फ्यूज रहेगा इस ट्रांसफार्मर के लिए, ये 2 रहेगा इसका इनकमिंग के लिए और 2 इसका आउटगोइंग फ्यूज इसमें देखिए लगा होगा इसमें, और इसका इस ट्रांसफार्मर का भी 2 आउटगोइंग के लिए यहाँ लगा होगा। अब ये कैसे होल्ड कराता है K01 K02 को हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए HOG ट्रांसफार्मर से 415 वोल्ट बनने के बाद इसका एक फेज कहाँ जा रहा है इसको हम दिखाते हैं। जो वहाँ से जो अभी लाइन आ रहा था वो देखिए यहाँ एक लाइन है जो इन कर हो जाता है K03 में, और उसी वही लाइन ये K03 से ही आउट हो जाता है। और ये लाइन लाइन देखिए वो आने के बाद K01 के A2 में देखिए यहाँ K01 के A2 में यहाँ देखिए नीचे इन कर रहा है एक फेज, और दूसरा फेज हम आपको दिखाते हैं। दूसरा फेज ये निकलने के बाद दूसरा फेज यहाँ पावर सप्लाई स्विच में और उसके बाद नेट सेलेक्टर स्विच में आता है, और यहाँ से फिर नेट सेलेक्टर स्विच से आउट होने के बाद DND के एक्जुलरी में इन होता है और आउट होकर यहाँ DND से ये लाइन आने कर यहाँ से ये K01 का A1 में देखिए वहाँ ये देखिए यहाँ आपको दिखेगा ये देखिए A1 में इन कर रहा है। तो वैसे ही नेट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को नेट जैसे ही ऑन करेंगे तो इसी तरह हमारा K01 जो है ऑपरेट होता है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि K02 कैसे होल्ड होता है, उसके बारे में भी हम बताते हैं कि कैसे ऑपरेट होगा K02। ये देखिए दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइन आउट होने के बाद इसका एक लाइन जो 415 वोल्ट है ये लाइन देखिए कहाँ, देखिए K04 के देखिए नीचे यहाँ इन करके और फिर यही लाइन यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ इन करके और इसी से आउट हो जाएगा। दो नंबर देखिए ये 2 नंबर कॉन्टेक्टर का यहाँ A2 में जा रहा है K02 का, ये जो है ये कॉन्टेक्टर का A2 में यहाँ चला गया। और इसका देखिए दूसरा फेज है ये देखिए ये लाइन, तो ये लाइन अब कहाँ जा रहा है इसको हम दिखा रहे हैं। ये पावर सप्लाई स्विच में जा रहा है, तो हम हमको पावर सप्लाई स्विच दिखा रहे हैं इधर।
यहाँ देखिए ये पावर सप्लाई स्विच में पहले यहाँ, फिर उसके बाद नेट सिलेक्टर स्विच, और यहाँ से नेट सिलेक्टर स्विच होकर अब यहाँ से देखिए फिर नीचे लाइन जाएगा। तो नेट सिलेक्ट करने के बाद ये डीएनडी के एक्जुलरी में ये लाइन इन करता है, और यहाँ से फिर आउट होने के बाद डीएनडी से आउट होने के बाद लाइन ये K01 का NC होकर, देखिए यहाँ K01 का NC होकर, और इससे लाइन ये K02 के A1 में, देखिए इधर इधर आपको दिख रहा होगा, हाँ देखिए ये लाइन जो है ये इसमें इन कर जाता है। तो इसी तरह हमारा ये K02 और K01 दोनों इसी तरह ऑपरेट होता है। तो हम आपको ये ऑपरेटिंग के बारे में बताया कि K01 और K02 कैसे ऑपरेट होता है। तो हमें ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऑपरेटिंग बताने के लिए हम कैसे मेहनत किए हैं, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आप लोग को LHB AC कोच में डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि K01 और K02 कॉन्टेक्टर कैसे ऑपरेट होता है। तो यहाँ देखिए DND से लाइन आगे, यहाँ जो फीडर एक नंबर फीडर का जो लाइन आगे बढ़ा, तो ये लाइन आके यहाँ K01 कॉन्टेक्टर में आकर देखिए यहाँ रुका रहता है। और फिर यहाँ देखिए ये लाइन जो है, तो यहाँ से लाइन तीन लाइन आगे निकल जाता है, तो ये तीन लाइन आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ वोल्ट मीटर और सिलेक्टर स्विच में यहाँ आकर यहाँ तीन लाइन आ जाता है, और यही लाइन तीन लाइन आगे बढ़कर यहाँ देखिए MMR में आ जाता है। ये देखिए यहाँ MMR में K03, और ये देखिए इधर आगे दो लाइन आगे बढ़ जाता है, जो HOG ट्रांसफार्मर है, ये 750/415 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से देखिए ये लाइन आगे बढ़ के ये लाइन यही MMR के नीचे में आता है, और यही MMR से फिर होकर नीचे लाइन निकलता है, और ये लाइन देखिए यहाँ आकर A2 में K01 का A2 में आकर रुक जाता है। अब फिर देखिए दूसरा लाइन यहाँ से HOG ट्रांसफार्मर से ही ये पावर ऑन ऑफ स्विच में जाता है, फिर यहाँ नेट 1 और 2 रोटरी स्विच में, और फिर ये लाइन आगे बढ़ के देखिए यहाँ इधर चला जाता है, तो DND के एक्जुलरी में जाता है। DND के एक्जुलरी से यही लाइन पीछे से घूम के यहाँ देखिए ये आ रहा है लाइन, और ये लाइन इधर से ऐसे आएगा, और यहाँ से आकर लाइन ये यहाँ देखिए ये K02 इसके से MC से होकर ये लाइन K01 का A1 में घुस जाता है। और उसी प्रकार यहाँ से देखिए फिर ये फीडर टू का लाइन जो है, ये DND से निकल के ये फीडर टू का जो लाइन है, तो ये भी HT फ्यूज से होते हुए देखिए यहाँ से निकलेगा, और ये लाइन फिर देखिए क्या होता है यहाँ आकर K02 में यहाँ आकर रुका रहता है। तो अब यहाँ से देखिए फिर यहाँ से भी उसी तरह से तीन लाइन जाता है, तो तीन लाइन ऊपर ये जाता है, और यहाँ से आकर इधर देखिए वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच और रोटरी स्विच में आकर रुका रहता है, और ये वोल्ट मीटर में रहता है, और यहाँ से फिर देखिए तीन लाइन आगे बढ़ जाता है, तो तीन लाइन आगे बढ़कर यहाँ MMR में आता है, और दो लाइन HOG देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर में आकर लगा रहता है। तो फिर यहाँ से उसी प्रकार ये जो है 750/415 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो यहाँ से अब देखिए यही लाइन आगे ये बढ़ जाता है, तो ये आगे लाइन बढ़कर कहाँ जाता है MMR में देखिए एंट्री करता है, और MMR से फिर ये निकलता है लाइन, तो MMR से निकल कर और ये लाइन देखिए कहाँ जा रहा है, ये देखिए K02 का A2 में आकर यहाँ रुका रहता है, ये लाइन यहाँ आ जाएगा। और देखिए दूसरा लाइन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखिए HOG ट्रांसफार्मर से दूसरा लाइन यहाँ से निकलकर पावर स्विच और रोटरी स्विच से यहाँ होकर ये जब ऑन करेंगे तो इधर से लाइन होते हुए DND के एक्जुलरी से ये लाइन फिर यहाँ से निकलता है, और ये लाइन देखिए ये कैसे आ रहा है, यहाँ से होते हुए ये लाइन आएगा, और ये देखिए यहाँ ये लाइन होते हुए K01 के NC से होकर, और ये देखिए K02 के A1 में प्रवेश कर जाएगा। तो इसी तरह हम आप लोगों को दिखाया कि इस तरह से K01 और K02 ऑपरेट होता है। आप लोग लाइक करके जरूर सब्सक्राइब करके और हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा।